आदमी को कम से कम अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। बहुत आदमी को हम देखते जमीन हो गया, मकान हो गया, बेटा को नौकरी भी हो गया, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ है। बदली स्वभाव बदलना चाहिए, हंसता चेहरा रखना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। कोई द्वार पर आ जाए, आओ आओ भाई, आओ आओ बैठो। बहुत आदमी है उसको द्वार से प्रेम है, मकान से प्रेम है, आदमी से प्रेम नहीं। अहमद द्वारी पर जाफरी घेरे जिन, अहमद ढाठ हो घेरे जिन। द्वार से बड़का अब गाड़ी लग कभी गेल हम बाबा गाड़ी भूलबे दौड़े उड़े महाराज जब हो केन रख लो जे समुचा द्वार छचिए ले बिचार। इतना लोगों में जलन है, जाफरी मौज के लोग रास्ता पर कांटवा गाड़ देते, तार से घेरते। ये स्वभाव है। बेसी गहूम उपजे आदमी की यारी है, उपजे खेतों में उपजे यारी। माँ बहन को हम देखते हैं पिछवाड़ में गाछ ताछ जे लगबे छे यारी है, सटाय गाछ लगबे छे। इतना स्वभाव खराब है। स्वभाव को बदल दे। एक आदमी ससुराल गेले पत्नी काम लेके धैर्य के घरों में गेले पंजाब, लड़का के माँ जी रही कच कच करे पुतहु देखे ले जाए, तब छो गो रोटी खाई मोटी ली जाए। ये स्वभाव इतना खड़ा रहा। पुतहु बेचारी कढ़ी बनने रही, कढ़ी नमक तंटा बेसी पड़ी, सास न कढ़ी रोटी जे मुंह में लेलके न, पुतहु पर पूरा भागवत रामायण गीता पढ़ी दे। कढ़ी बने कढ़ी बने देह जड़ा बई दाद के एक सुख निम्मक धारी। रामायण पढ़ते पढ़ते थरिया उठा के पुतहु पर फेंक दे। पुतहु कल के माय जी गलती भी मिले, अब यही नए होते तब यही नए तरह कह भैया ये छू कह भैया पंजाब के लोग समझे तो तरह के दाद भाई एक सुख निम्मक। दूसरो दिन बेचारी कढ़ी बढ़िया से बनेलकी बेजोड़ कढ़ी, जितना नमक हल्दी लगना चाहिए उतनी डाल दी। वही दिन सास ने जब कढ़ी रोटी मुंह में लेके खान तो बढ़िया लगले, लेकिन गुस्सा उतने उठले पुतहु पर कच कच, तब या कते बढ़िया कढ़ी बनल छे, या कते या कौन भगवान अतरत्र धी दे देले छे, हैं या कते बढ़िया बने हैं, यही ने बने दिया है, वह दिन नहीं खाई है, खाई भाई तुरंत कर ले जी, फाड़ उठाएगा पुतहु पर फेंक दे। सजद आदमी को कम से कम स्वभाव बदलना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। बहुत आदमी सत्संग लग गया है गाली देने का, बहुत सत्संगी लोग खुद बकरी पोसते हैं, खैली खाता एक दूसरे को देखकर जल जल जल। सत्संग सुनने के बाद भी कुछ माँ बहने हैं बीड़ी पीती है। जितिया पर्व करती हैं,
जितिया में सही जाए छे लेकिन सासुबे दूटा बोली कही दिया तूने सह पड़ देते जितिया में सह पंजराठी हट्टी बैठे छे कृष्ण जन्माष्टमी में सह छठ पर्व में सह भोला बाबा सौंस देल देते तो सहै छे दुर्गा माई काली माई सौंस देल देते तो सहै छे पजराठी घाटी बैठै छे सास दू बात बोली दिए तो ओकरा पर बुधियाई से पगड़ी कम से कम जीवन में चाहिए स्वभाव को बदलना गुरु से युक्ति लेकर परमात्मा को पाने के लिए सबरी के जैसा परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि ने कहा सबरी से कि भजन करो, इसी कुटिया पर एक दिन राम और लक्ष्मण आएंगे, राम लक्ष्मण का दर्शन। सबरी उसी दिन से इतना पगली हो गई भगवान के दर्शन के लिए, पूरे जंगल को झाड़ू पहाड़ों से साफ करती रहती थी कि यदि इसी रास्ते से भगवान आएंगे तो भगवान को आने में कोई कष्ट नहीं हो, और रास्ते पर फूल तोड़ करके बिछा करके रखती थी। सबरी बेर को तोड़कर आधा बेर चख कर जो बेर मीठा लगे उसी बेर को रखती थी। भगवान के दर्शन के लिए नित प्रतिदिन सबरी आंख से आंसू बहाती थी। सबरी के कुटिया की, सबरी के कुटिया की भाग्य जाने जाएंगे। सबरी एक दिन कुटिया पर बैठी हुई थी झोपड़ी में, एक कागा आकर के वहीं पर बैठ गया। सबरी कागा से पूछती थी।